गुड मॉर्निंग गाइस, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो रही है और अभी फ़िलहाल मैं सो के उठी हूँ। तो अभी जा रही हूँ, अभी घर का थोड़ा काम कर लेती हूँ क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह नहीं बना हुआ है। तो नाश्ता कर लेती हूँ, पहले ब्रश करके नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर और कुछ काम करूँगी। और अभी फ़िलहाल अब घर में तो बहुत ठंड लग रही है, इसलिए अभी जाऊँगी, थोड़ा टाइम धूप में बैठूँगी। और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है बाहर, तो अभी जाके मैं थोड़ा टाइम धूप में, मतलब ना ठंड में ना धूप में बैठा तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, और कल का वीडियो मैंने डाल दिया है, हम लोग घूमने के लिए जो गए थे, और आप लोग ज़रूर देखना। और अभी मैं जा रही हूँ घर का काम करने के लिए, और अभी फ़िलहाल देखो बाहर कितनी अच्छी धूप निकली है, मैं बाहर लेके आप लोग को दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बाहर धूप निकली है। यहाँ पे मैंने अपना बिस्तर है ना, मतलब अभी धूप में डाल दिया है क्योंकि थोड़ा धूप लग जाएगा तो मतलब अच्छा रहता है, ठंड बहुत लगती है ना। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी धूप निकली है, अभी सुबह सुबह की धूप ना मतलब बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखो, और अभी सुबह सुबह ना धूप में बैठी हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरे बाल कैसे हो गए हैं, और मतलब अभी आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा है इसमें कैमरे में। और कल हम लोग ने बहुत मज़ा किया वहाँ पे जाके, और वहाँ पे मतलब घूमने के लिए बहुत मुझे अच्छा लगा। और फिर अगर कहीं अच्छा अगर फिर टाइम मिलेगा या फिर प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर से मिल जाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे मैं धूप में बैठी हूँ, अभी फिलहाल घर का थोड़ा काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखो अभी अंदर कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा। तो चलो मैं भी फटाफट काम कर लेती हूँ, और अभी थोड़े कपड़े वपड़े धोने हैं वो धो के डाल देती हूँ, क्योंकि अभी धूप हुआ है ना, इसकी वजह से फिर मैं कपड़ा सूख जाएगा। और ठंडी के मौसम में क्या है ना कि धूप जल्दी देखने को मिलता ही नहीं है, और ऐसे मतलब छाया वगैरह ज़्यादा होता है, तो मतलब धूप ऐसा बादल जैसा होता है। और मैं कल घर का राशन भी मैं कल लेके आ गई थी, तो देखो उसका बिल यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा बिल आया है देखो। तो घर का जो भी मतलब राशन थोड़ा बहुत लेने गई थी, और अभी फ़िलहाल मैं जाके फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ, वरना फिर जितना टाइम बीतता है ना उतना फिर मतलब मन नहीं करता है काम करने का। तो मैं अभी मॉर्निंग में मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने जा रही हूँ, और आप लोग को लग रहा होगा मैं इतना सारा प्याज क्यों काट रही हूँ, तो मतलब ये पूरा नहीं काटना है, कम से कम 6-7 काट रही हूँ। और सुबह नाश्ता में मैं अंडे का भुर्जी और रोटी बनाने वाली हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे अभी मैंने अच्छे से प्याज को छील वेल के अच्छे से यहाँ पे टमाटर मिर्च भी सब साथ में धोकर, और अभी यहाँ पे अच्छे से बहुत लोग लंबा लंबा काट के भी बनाते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे पीस में काट के कर बनाती हूँ, वैसे अच्छा लगता है। और जो लंबे में होता है ना तो वो वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में ऐसे बनता है। तो अभी यहाँ पे अच्छे से चॉप कर लेती हूँ छोटा छोटा, और अभी ना यहाँ पे मैं प्याज को जब काट रही थी ना तो आँख में बहुत लग रहे थे प्याज, एक सब्जी में यही है क्योंकि ये मतलब बहुत रुलाती है।
और अभी यहाँ पे मतलब आँख में बहुत लग रहा था प्याज, तो इसकी वजह से उसको थोड़ा टाइम पानी में अगर रख देते हैं ना तो उसमें मतलब आँख में लगता नहीं है। और अभी यहाँ पे मैंने 6-7 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और 2 टमाटर लिए छोटे छोटे। और अभी यहाँ पे मैं मॉर्निंग में नाश्ता बना रही थी, और सुबह सुबह तो मतलब रोटी सब्जी नाश्ता में मिले तो बात ही कुछ अलग है, क्योंकि भी सुबह नाश्ता में और भी बहुत कुछ बनता है तो वो भी बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, और यहाँ पे मतलब ज़्यादा तेल मतलब थोड़े तेल में भी बन जाता है और ज़्यादा तेल नहीं अच्छा लगता है इसमें, तो इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला था। और अभी यहाँ पे मतलब सुबह सुबह में मतलब अंडा का भुर्जी और रोटी दोनों बनाने वाली हूँ, और चाय भी एक साइड में मैंने रख दिया था क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना तो चाय मतलब नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठंड के मौसम में चाय बहुत मतलब पीने का मन करता है, ठंडी मतलब ठंडी लगती है और ऊपर से गरम गरम चाय। और यहाँ पे मैं दोनों साथ में एक साइड में मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, और एक साइड में मैं रोटी भी मतलब साथ में बनाऊंगी क्योंकि साथ में बनाऊंगी तो दोनों एक साथ में हो जाएगा, वरना फिर एक बना कर रख दो फिर उसके बाद में फिर दूसरा करो तो टाइम लग जाता है। तो फिर अगर जल्दी बनाना हो तो मैं एक एक साइड फ्राई कर दूंगी अंडे की भुर्जी, और एक साइड में आटा भी लगा लूंगी, आटा फटाफट लगा के फिर एक साइड में मैं रोटी भी बना लूंगी जब तक अंडा फ्राई होगा, और तब तक मैं आटा लगा लूंगी। और यहाँ पे फिर मैं साथ में आटा लगा के और साथ में दोनों बन जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं और यहाँ पे ना मैं वीडियो मतलब की हूँ ना तो बार बार ऐसा ब्लर जैसा हो जा रहा है, तो पता नहीं ऐसा मतलब कुछ कैमरे में क्या हो गया है, मतलब लाइट है ये कुछ था ये पता नहीं मुझे, बार बार ऐसा ब्लर जैसा हो रहा था। और अभी यहाँ पे प्याज थोड़ा मतलब प्याज और टमाटर थोड़ा गल गया, उसके बाद फिर मैंने मसाला डाल दिया था, मसाला में कुछ नहीं सिर्फ हल्दी नमक डाला था और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च तीखा वाला तो हम लोग खाते नहीं है। और यहाँ पे सब अंडे को अच्छे से फोड़ के अच्छे से डाल दिया था। और यहाँ पे देखो और अंडे को ना अलग से कटोरी में फोड़ के भी डाल दें, लेकिन मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ क्योंकि बहुत लोग से ना फोड़ते टाइम ना उसका मतलब वाइट वाला भी जो होता है ना ऊपर का हिस्सा कड़क वाला वो भी चला जाता है, तो फिर दांत में पत्थर की तरह लगता है, तो बहुत लोग कटोरी में फोड़ के बाद में उसमें डालते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही फोड़ के डाल देती हूँ, मुझसे ऐसा मतलब नहीं होता है। और धीमे धीमे अगर फोड़ेंगे ना तो फिर वो वाइट वाला भी फूट जाता है ऊपर का जो कड़क वाला होता है ना वो वाला, और वो एक दो टुकड़ा भी अगर चला गया ना अंडे में तो फिर खाने के टाइम पे मुंह में लग जाता है। और यहाँ पे देखो अंडे की भुर्जी हो गई है और एक साइड में मैंने आटा लगाया था तो रोटी भी बना ले रही हूँ, यहाँ पे दोनों साथ में हो जाएगा। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, और ये रहा नाश्ता, अंडे की भुर्जी बनाई थी मैंने और रोटी, तो ये आप लोग को भी दिखा देती हूँ मैं, ये देखो अंडे की भुर्जी और रोटी। सुबह सुबह तो मतलब रोटी सब्जी मतलब नाश्ता में मुझे अच्छा लगता है, बाहर का तो मतलब कुछ मतलब कभी कभी खा लिया तो ठीक है, डेली मतलब अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो घर का ही रोटी सब्जी बना लो अच्छे से तो रोटी सब्जी हो या अंडा का भुर्जी रोटी हो तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। फिर मैं फिलहाल नाश्ता कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने नाश्ता भी कर लिया, और यहाँ पे फिर गैस का मतलब जो गंदा हुआ था ना मतलब रोटी बनाने के टाइम पे ना आटा वगैरह गिरता है तो भी थोड़ा बहुत गंदा होता है, बाकी तो उतना नहीं गंदा होता है। और यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता भी कर लिया, और अभी यहाँ पे मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से किचन साफ़ कर लूँगी। और
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।